Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. तो आज अपन फाइनली बार रिव्यू करेंगे Horizon Forbidden का अपने Asus के ऑफ F15 के ऊपर. और भाई आपको मेरा Asus के ऑफ F15 की स्पेसिफिकेशन पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ भाई. i5 10th रैंक का गैज जो कि 650 गया है एंड 16GB डुअल चैनल रैम है अपने पास. तो भाई आज अपन इस गेम को कैसे करेंगे अपने टफ के ऊपर, और बहुत मजा आने वाला भाई, बहुत शानदार गेम है वाला. पूरी वीडियो जरूर देखना. सबसे पहले आपको एक बार सेटिंग चेक करवाता हूँ. डिस्प्ले आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, डिस्प्ले आप दोनों FSR 2.2 को रखा हुआ है. क्वालिटी के ऊपर FSR 2.2 आता है इसके अंदर, 2.1 नहीं है, सो वो अच्छी बात है. और जो ग्राफिक है बाय डिफॉल्ट वेरी लो के ऊपर आया था, और आई थिंक यही बेस्ट के ऊपर मुझे जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये गेम बहुत हैवी है भाई, बहुत ज्यादा जीपीयू डिमांडिंग गेम है. और अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो भाई और इसे वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो आइए गेम शुरू करते हैं. तो गाइस अपना गेम यहाँ पे चालू हो गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो भाई क्या भयंकर ग्राफिक है भाई इस गेम के. वेरी लो के ऊपर ये गेम चल रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता कि ये गेम वेरी लो के ऊपर चल रहा है. और आफ्टर बनने मैंने साइड में लगा दिया है, तो आप परफॉर्मेंस वहाँ पे नोटिस कर सकते हो. सो FPS वगैरह सब आप नोटिस कर लेना यहाँ पर. और मेरे वहां आपको टेम्परेचर बता देता हूँ, बाहर का लगभग 38 हो रहा है, इंडोर का टेम्परेचर लगभग 28 हो रहा है मेरे यहाँ पे. सो आप उतना दिमाग रख लेना, आपके वहां इतनी गर्मी शायद ना हो, या हो भी मेरे को नहीं पता, पर ये मेरा सिचुएशन है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर. चलो इसको खोलना है ना अपने को. वैसे मैंने गेम काफी खेल लिया है, काफी दूर तक चला गया हूँ मैं इस गेम के अंदर. अरे ना, तो वो चीज है, काफी दूर तक चलेगा भाई. और बहुत सही गेम लगा मेरे को यार, काफी दिनों के बाद इतना अच्छा गेम खेलने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है. और बढ़िया है भाई सब कुछ, बहुत सारा टेक्नोलॉजी इस गेम के अंदर, बहुत सारे AI वगैरह की बात होती है, रोबोट से अपनी फाइट होती है, जो भी ड्रैगन वगैरह थे रोबोट जैसे हैं वो भी पूरे. आगे पता लगेगा तुम्हें भाई, एक से एक ड्रैगन आएंगे इसके अंदर लड़ने वाले, और वो टेक्नोलॉजी से मारते हैं भाई. ये देखो यहाँ पे बंदा आ गया, होलोग्राम आ गया यहाँ पे. और ग्राफिक बहुत शानदार है भाई, गेम के ग्राफिक से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ यार. देखो कितना प्यारा लग रहा है गेम. और फर्ज करो अगर इस गेम के अंदर मैं FSR 3 का मोड डाल दूं भाई, तो फिर क्या होगा. अभी तो FSR 2.2 चला रहा है अपन, अगर FSR 3 का मोड डाल दिया ना भाई, तो ये गेम इतनी शानदार परफॉर्मेंस देगा. वो डाल के मैं देखने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, अगर वो सक्सेसफुली चल गया गेम उसके बाद, तो फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा गाइस. हो गई इसकी बातचीत खत्म साले की, हो गई हो गई. चलो अपने को ऊपर जाना है, सामने यहाँ जाना है ना अपने को. चलो भैया ऊपर चढ़ जाओ. और एक चीज और बता दूं गाइस आपको, ये जो गेम अपना अभी रिकॉर्ड कर रहा है ऑब्वियस के थ्रू, तो 10 FPS आप ज्यादा लेकर चलना रियल में, ठीक है. आपको ज्यादा मिलेंगे 10 FPS मुझसे, ये गेम मेरा रिकॉर्ड कर रहा है. 10-12 FPS का फर्क आ जाता है अगर आप गेम को रिकॉर्ड करते हैं तो. और गेम बहुत धांसू है भाई, काफी टाइम के बाद इतना अच्छा गेम खेलने को मिला है. ये बात आई थिंक दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि गेम सच में बहुत ज्यादा अच्छा है यार. तुम्हें भी मजा आ जाएगा जब तुम इस गेम को खेलोगे गाइस. अंदर चलना है अपने को, वहां कहाँ जा रहा हूँ मैं यार. कट सीन तो तुम देखोगे ना, तुम ऐसा लगेगा भाई कि तुम कोई मूवी देख रहे हो, इतने हाई क्वालिटी वाले कट सीन है यार, और इतने शानदार कट सीन है कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें. बहुत सही एक्सपीरियंस रहेगा तुम्हारा. स्टोरी बहुत अच्छी है गेम के, गेम प्ले बहुत अच्छा है, मैकेनिक्स बहुत अच्छे हैं गेम के, इजी एकदम. कंट्रोलर से खेल रहा हूँ मैं ये वाला गेम अपने. अगर आप स्पाइडरमैन वगैरह खेला, आपने गॉड ऑफ वॉर खेला है, तो अगर आपने कंट्रोलर से सब गेम खेले भाई, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा गेम खेलने में. चलो भाई खोलो इसको. पत्थर उड़ के आता है एकदम मुंह पे अगर मारता नहीं तो. ये देखो भाई लोकेशन तो देखो कितनी शानदार है यार, मतलब पूरी हरियाली है गेम के अंदर, इतनी हरियाली देखने को मिलती नहीं, वो भी इतनी हाई क्वालिटी है. भाई सामने क्या है, ये क्या है भाई सामने, क्या था ये, पूछ थी भाई किसी की. ये क्या ले लेते हैं, कुछ यहाँ पे आ रहा था ना अभी. ये जहर है भाई, अरे लकड़ी है भाई, जरूरत नहीं है मुझे. ये आ गए हम यहाँ पे. इस ड्रैगन को मारना अपने को. पत्थर फेंकूंगा पीछे से जाके मारूंगा, साले को मारते हैं हम धीरे से जाके. चल बे, ये भाई ये लोग आते हैं लड़ने अपनों से, देख रहे हो इनको रोबोट है. ये चीज आती है भाई इसके अंदर. चलो ऊपर चलते हैं. अरे हो रहे क्या, कई बार भी आ सकते हैं वो. अभी उधर जाएगा इसको अपन निपटा देंगे, जब तक जाना भाई उधर. जा 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 उधर जा. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. अब और बचे हैं ना, एक बुरा सामने. ये मस्त स्लाइड मारता है यार, क्या मिल जाएगा एक और, ये रहा सामने. अब ये वहां जाएगा, इसको पेल देंगे अपन.
चलो हट जाओ, एक और आई थिंक, तीन रहते हैं यहाँ पे शायद, दो को तो मैंने मार दिया है। और गेम ऑप्टिमाइज भी गाइस, काफ़ी ऑप्टिमाइज गेम है ये, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरा लैपटॉप यहाँ पे गर्म हो रहा है, और फैन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर, सो वो दिमाग में रख लियो। और इसने देख लिया अपनों को, अभी घुस जाता ज़मीन के अंदर वो, मेरे को जाना पड़ेगा। अरे मेरे को मार दिया साले ने, चल बे हट, सबको निपटा दिया, सब कुछ मार दिया अपनों ने यहाँ पे गाइस। और सीपीयू का टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट हो रहा है भाई, फ्लक्चुएट हो रहा है अच्छी बात है, स्टक हो जाता है एक जगह तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है, लेकिन फ्लक्चुएट हो रहा है तो इट्स ओके, बट फिर भी बहुत हैवी गेम है यार, बहुत हैवी गेम है। और गर्मी भी यार अभी से मार्च से इतनी खतरनाक गर्मी हो गई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, पता नहीं मई जून में क्या होगा। पर जिनके पास एसी है उनको दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि उनके रूम का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, सो उनको दिक्कत नहीं आएगी भले वो कितनी भी देर गेम खेले। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अपने लैपटॉप के जो टीडीपी है उसको कम कर लेना, मैं भी कम करके ही रखता हूँ गर्मी के अंदर, वो तो मेरे को एक गेम अभी टेस्ट करना था इसलिए मैंने इसको डिफॉल्ट के ऊपर करा, अभी वरना मेरी कम ही रहती गर्मी के अंदर, तो मेरे को आई थिंक एक दो दिन होगा यूज करते हुए कम के ऊपर ही। और तुम्हें पता है फिगर क्या है उसका, मैंने बताया काफी बार वीडियो बनाई है उसके ऊपर, तो तुम जाके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि यार लैपटॉप के अंदर गर्म होने का सीन तो रहता ही है कोई भी लैपटॉप हो, लेकिन एसुस वाले लैपटॉप के अंदर कुछ ज्यादा ही गर्म होते हैं भाई। एसुस वाले लैपटॉप पता नहीं भाई क्या होते हैं, इतने गर्म क्यों, इतने हॉट क्यों रहते हैं लड़के, एसुस वाले लैपटॉप इतने हॉट क्यों रहते हैं भाई, समझ में नहीं आता। चलो तू तो जा भाई। अब गाइस एक काम करते हैं, FSR की क्वालिटी को अपन चेंज करते हैं, बिकॉज अपन ग्राफिक क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते, तो अपन FSR को रख लेते हैं अपने बैलेंस के ऊपर, ठीक है। मैंने इसको बैलेंस के ऊपर कर दिया, अभी सेकिंग अप्लाई होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये देखो FPS अपने बढ़ गए यहाँ पर, डेफिनेटली FPS अपने इंक्रीज होगा यहाँ पर, सो वो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी तो और बढ़ेंगे गाइस, ये जो जगह है काफी डिमांडिंग है और गेम भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है मैं यार, मतलब GPU तो मेरा 100% बॉटलनेक हो रहा है यहाँ पे, 100% यूज हो रहा है, और गर्मी तो देखो भाई कितनी भयंकर है। बढ़िया गेम है यार, एक नंबर गेम है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये गेम रिकॉर्ड हो रहा है तो 10 FPS आपको ज्यादा ही मिलने का, जितने मुझे यहाँ पर देख रहे हैं आपको उससे ज्यादा ही मिलने हैं 10, तो वो आप दिमाग में रख लेना। ये गेम मैंने काफी खेल लिया गाइस, बहुत आगे चला गया हूँ मैं इस गेम के अंदर, ये सब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, एक बार ही मैं पार कर सकता हूँ ये सब, मैं बहुत आगे चलेगा अपन इस गेम के अंदर। और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल रही है भाई गेम के हिसाब से, मेरे को लगा नहीं था कि इतना लेटेस्ट गेम इतना हैवी गेम मैं चला पाऊंगा अपने लैपटॉप के ऊपर, लेकिन मैं चला पा रहा हूँ सक्सेसफुली, वो ही बहुत बड़ी बात है भाई इस लैपटॉप के लिए कि ये गेम चल रहा है सक्सेसफुली यहाँ पर। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये गेम चल जाएगा भाई यहाँ पर इस लैपटॉप के ऊपर, लेकिन चल गया ये, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस, आई मीन बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, यही कहूंगा मैं तो। और गाइस तुम अगर ये वाला गेम खेलोगे तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा, जैसे कि मुझे आ रहा है यहाँ पर खेलने में। गेम की स्टोरी बहुत शानदार है भाई, गेम प्ले भी बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने बोला अभी, बहुत बढ़िया लगेगा गेम तुम्हें खेलने में। और डोंट वरी, तुम अगर FSR को बैलेंस के ऊपर करके खेलोगे और वेरी लो के ऊपर खेलोगे तो तुम्हें 50 FPS मिल जाएंगे, 50-55 तक इजिली मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर मैं FSR 3 का मोड डालकर देखूंगा, अगर वो सक्सेसफुली रन हो गया तो हम इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे, बहुत जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा उसके बारे में। चलो भाई आगे चलते हैं, हो गया ना अपना काम यहाँ पे, लोकेशन तो एक से एक है भाई इस गेम। So guys, बस यार अच्छी वीडियो में इतना ही था, ये था Horizon Forbidden का रिव्यू अपने Asus के F15 के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। ओ भाई एक और बचा था यहाँ पे, और मुझे तो भाई बहुत मजा आया ये वाला वीडियो शूट करने में, बिकॉज ये गेम बहुत ज्यादा अच्छा है भाई। और गाइस अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, नेक्स्ट कौन सा गेम चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ आप मुझे कॉमेंट करके नीचे बता सकते हो, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी बना लेंगे। So guys, that's it. फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो के अंदर। Till then, bye bye, take care guys.